एक बार फिर से पति पत्नी का रिश्ता हुआ शर्मसार। सफाई कर्मी ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया SDM। SDM बनने के बाद पत्नी ने पति को मारी लात। अफसर पत्नी को अफसर से हुआ प्यार। फोर्थ क्लास पति का जीना किया दुश्वार। पत्नी को दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाते पकड़ा तो देने लगी धमकी। वायरल हुआ पत्नी और प्रेमी का व्हाट्सएप चैट। रो रो को पति सुना रहा दर्द भरी दास्तान। दो जुड़वा बेटी भी माँ की लौट आने की लगा रही है गुहार। ये कहानी ऐसे लाचार पति की है जिसने एक सफाई कर्मी के पद पर रहते हुए अपनी पत्नी को SDM बनाया, आज उसी पत्नी ने धोखा दे दिया। ये कहानी ऐसे लाचार बेटियों की है जिसे अभी माँ का प्यार मिला भी नहीं था और उसे छोड़ जाने की बात कर रही है। जिस पति ने अपनी पत्नी की सपना को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। पत्नी को पढ़ने का शौक था, फिर सफाई कर्मी ने अपने पत्नी को सपना पूरा करने के लिए बर्तन धोए, झाड़ू पोछा लगाए, खाना बनाए ताकि पत्नी का सपना हो सके पूरा। लेकिन जब पत्नी अफसर बनी तो पति को उसके त्याग और तपस्या का जो फल मिला उसकी गूंज आज पूरे उत्तर प्रदेश को सुनाई दे रही है। माँ की करतूतें देख दोनों बेटियां भी कह रही है, माँ ऐसा मत करो, पापा के पास वापस लौटाओ। ये घटना यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है। यहाँ के रहने वाले आलोक कुमार मोड़े, जो पंचायत राज विभाग के चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत है, उनकी पत्नी SDM ज्योति कुमारी मोड़े। पति आलोक कुमार मोड़े का आरोप है कि अब उनकी पत्नी उनसे प्यार नहीं करती, उसे दोनों बेटियों का भी मोह नहीं रहा, बल्कि वे अब अपने अफसर प्रेमी के प्यार में मशगूल हो चुकी है। पति को अपने पत्नी और उसके अफसर प्रेमी से जान का भी खतरा है। अपने शिकायतों को लेकर पति धूमनगर थाने पहुंचा तो उसने रो रो कर अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। पति के अनुसार 2010 में वाराणसी चिराई गांव के रहने वाली ज्योति कुमारी मोड़े से उनकी शादी हुई। शादी के बाद ज्योति ने पढ़ने की इच्छा जताई। शादी के वक्त आलोक कुमार की तैनाती प्रतापगढ़ जिले में थी, लेकिन ज्योति की पढ़ाई को लेकर वे प्रयागराज चला गया, जहां उसने ज्योति को सिविल की तैयारी के लिए कोचिंग करवाई। जब पैसों की कमी आई तो उसने अपने भाई, पिता, दोस्त, रिश्तेदारों से कर्जा लेकर उसे पढ़ाया। 2016 यूपी लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा 2015 में ज्योति का 16 नंबर SDM पद पर चयन हुआ। ज्योति की तैनाती तब प्रयागराज में हुआ। ज्योति की सफलता से पूरा परिवार खुश था, पति की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जिसने कि सालों भर के लिए मेहनत किया वो आज हासिल हो गया। अभी कुदरत भी मेहरबान हुई और ज्योति को जुड़वा बेटी हुई। इसी खुशी में बेटियों का नाम खुशी रख दिया। लेकिन इस कहानी में तूफान तो तब आया जब ज्योति का तबादला बरेली में हुआ। यहाँ से पति और पत्नी के जिंदगी में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री हुई। अफसर पत्नी को फोर्थ क्लास पति अब नहीं भा रहा था और धीरे धीरे लगाव होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से बढ़ रहा था। कुछ ही दिनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों शारीरिक संबंध बनाने से भी नहीं चुके। वहीं पति आलोक कुमार मोड़े का आरोप है कि जब एक दिन उसने अपनी पति और मनीष दुबे को अवैध संबंध बनाते हुए देखा तब से उसे मारने की भी धमकी मिल रही है। पति ने अपनी जान की सुरक्षा के साथ साथ ज्योति पर रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाया है और साथ ही उसने अपनी पत्नी और मनीष दुबे का व्हाट्सएप चैट भी साझा किया। पीड़ित पति का कहना है कि पुलिस सूचित करवाई कर मेरी पत्नी को वापस ले आए, क्योंकि मैं अपनी दोनों बेटियों को बिना माँ के नहीं देख सकता। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे ऐसी न्यूज़ के साथ जुड़े रहे।